हेलो माय यूट्यूब फैमिली, क्या आपने ये सारे मिशंस कंप्लीट करके इमोर्टल नहीं ले पाया है? नहीं तो टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको टॉप सीक्रेट हेडन मिशन बताने वाला हूँ और उनको कैसे कंप्लीट करना है वो भी बताने वाला हूँ। तो आपको ये हेडन मिशन देखने के लिए मिलते हैं ये क्वेश्चन मार्क वाले, जो कि भाई मैं बहुत सारे मिशंस कंप्लीट कर चुका हूँ एंड ये मिशन मैंने कैसे कंप्लीट किए ये आपको बताने वाला हूँ। अगर आप कोई भी मिशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो ना तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मैं आपको बिल्कुल इजीली कैसे कंप्लीट करना है वो बता दूंगा। ओके। और आपको सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क देखने के लिए मिलता होगा एंड इसी के अंदर से निकलते हैं अपने सारे मिशन। गजब। हाँ तो चलो यार, आज की इस ओपीसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और आपको सारे हेडन मिशंस बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब गाइस यार, सबसे पहले नंबर तो अपने को ग्लू टेस्टिक क्लस देखने के लिए मिलता है, तो इसके अंदर अपने को ग्लू वॉल लगा के बंदे को मारना है। पर गाइस यार, आपकी 10 की एचपी होना चाहिए और 2 सेकंड के अंदर पहले ग्लू वॉल लगाना है फिर बंदे को मारना है। अब गाइस यार, टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि आपको लगाना है वीआर क्लासिक वो भी सोलो और आपको इसके अंदर आ जाना है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि भाई सबसे पहले नंबर तो मैं ग्रेनेड या फिर भाई लैंड माइंड देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 10 की एचपी चाहिए एंड 10 की एचपी में मैं बंदों को मारूंगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर ये मिनी लॉन्चर मिल गया एंड मैंने यहाँ पर फोड़ा तो मेरे को डैमेज नहीं आया, बट इस दीवार में मारा ना तो मेरे को डैमेज आया, फिर से मारा। अब मेरे को एक कोल्ड लॉन्चर चाहिए। ठीक है, मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे को यहीं पे लॉन्चर मिल गया एंड मैंने यहाँ पर मारा और जो तीसरा लॉन्चर मारा ना तो मेरी 3 की एचपी बची है भाई। और सच बोलूँ ना तो मुझे लगा डर अगर किसी भी बंदे ने, मान लो बोट बंदे ने भी एक गोली मार दी ना तो मैं मर जाऊँगा एंड मिशन कंप्लीट नहीं होगा। तो मैंने वन फायर लगाया एंड मैंने देखा कि भाई मेरी एचपी 15 हो चुकी है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो भाई अभी अपने को टेंशन नहीं लेना है, ये टायर है ना मैं इसके ऊपर उछका। ठीक है, तो सीधी सिंपल सी बात है भाई, मैं ऊपर पहुंच गया एंड यहीं से मैं नीचे कूद जाऊंगा तो मेरी एचपी सीधी सिंपल सी बात है कम होने वाली है। तो आप यहां पर देख पा रहे होगे 8 एचपी है एंड मैंने वॉल लगाई और एक बंदे को मार दिया तो मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है। बट मैंने यहां पर एक और वॉल लगाई, एक और बंदा मार दिया। और अभी आप बोलोगे राहुल भाई यार कोई भी मिशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी आप यहां पर देखो मैंने गाड़ी फोड़ी एंड यहां पर मैं मर गया। ठीक है, मर हैं तो भाई बैक तो करेंगे ही करेंगे। तो फाइनली यहां से जैसे ही बैक किया ना तो मेरे को यहां पर देखने के लिए मिला मिशन, जो कि लॉबी में मिला था। ठीक है, आप यहां पर देखो कि भाई अपना ये मिशन कंप्लीट हो चुका। 7 करो। अब गाइस यार, आप ये मिशन बिल्कुल इजीली कंप्लीट कर लोगे मुझे पता है। और यहीं पर अभी अपन बात करें 2-in-1 मिशन की, यानी कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर ये एयर ड्रॉप वाला मिशन देख पा रहे हो ना, तो भाई एयर ड्रॉप के नीचे आके अपने को मरना है, मिशन कंप्लीट हो रही है ओरियन वाला, तो भाई ओरियन से 2 बंदों को मारना। अब इस मिशन को कंप्लीट कैसे करना है वो बताऊ ना, तो अभी आप यहाँ पर देखो 2 बोट बंदे भाग रहे हैं, मैं सोलो वीआर खेल रहा था। ठीक है, क्लासिक वीआर। ठीक है, तो क्लासिक में अपने बोट बंदे आते हैं एंड मैंने यहाँ पर इनको पैक किया ना तो एक बंदा यहाँ से निकल गया। अब अगर मैं इनको एक भी गोली मार देता हूँ, थोड़ा सा भी डैमेज दे देता हूँ ना, तो फिर ये यहाँ से भग जाएंगे। ठीक है, तो अभी मेरे को इनको पकड़ना है एंड ये भाई पकड़े में ही नहीं आ रहे हैं, मतलब पैक ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो भाई आप देखो एक और बंदा यहाँ पे आ रहा है बट आ नहीं पा रहा, मैं इसको पैक भी नहीं कर सकता भाई। पर जैसे तैसे मैंने इनको एक साथ कर लिया, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि भाई सारी वॉल फूटी एंड मैंने फटाक से पैक कर लिया। ये पैक हुए ना तो मैंने अपना जो ओरियन था ना भाई इसको यूज किया एंड अभी आप यहां पर देख पा रहे होगे कि जो इनहेलर है ना मेरे पास 17 इनहेलर हैं, यानी कि पहले मैंने एफएफ टोकन कलेक्ट किए थे 1700 एफएफ टोकन एंड एफएफ टोकन से मैंने वेंडिंग मशीन से ये मशरूम्स ले लिए थे। ठीक है, मतलब कि गाइस यार ये इनहेलर ले लिए थे जो कि मेरी बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। अब आप यहां पर देख पा रहे होगे कि भाई मेरी ईपी खत्म हो चुकी है तो मैं ये इनहेलर यूज कर रहा हूं और इनको यूज के बाद जैसे ही मेरा ओरियन चार्ज होता है ना तो मैं उसको यूज कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर देखो मेरे 17 इनहेलर लग चुके हैं एंड ये मेरा लास्ट ओरियन है एंड गाइस यार चौथी बार में ये बंदे मर गए, मैं इनको डैमेज भी नहीं दे सकता था क्योंकि डैमेज देता तो क्या पता भाई बंदे मर ही जाते। तो मैंने 4 बार ओरियन को चार्ज करके भाई बिल्कुल ईजिली इस मिशन को कम्प्लीट कर लिया, तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही कम्प्लीट कर सकते हो। और गाइस यार अभी तो मैंने एयर ड्रॉप लगा के रखा है बट आप यहाँ पर
फायर भी लगा सकते हो, क्योंकि गाइस यार मेरे 17 इनहेलर खत्म होने वाले थे, बट भाई चौथी बार में बंदे मर गए, वो बड़ी अरिया, एंड मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। और यहीं पर आप देख पा रहे होगे कि अभी एयर ड्रॉप वाले मिशन के लिए मैं डैमेज ले रहा हूँ जोन के अंदर। और फाइनली गाइस यार यहाँ पर मेरी 10 की HP बचेगी ना तो मैं एयर ड्रॉप मंगा लूंगा। तो अब आप यहाँ पर देखो कि मेरी 13 की HP है, 14 की HP है, तो मैं थोड़ी और कम कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी 10 की HP बची है, एंड अभी मैं एयर ड्रॉप मंगा लूंगा, ठीक है। अब भाई मैं और कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरी कम नहीं हुई भाई, फिर से चलते हैं। एंड अभी 6 की बची है, तो भाई 6 में तो मैं मरूंगा ही मरूंगा एयर ड्रॉप के नीचे आके। तो चलो यार अभी अपन एयर ड्रॉप को समन कर देते हैं। ओके तो फाइनली गाइस यार अभी अपना एयर ड्रॉप है ना भाई, ये चार्ज हो चुका है। मैंने इसको फेंका और इसके ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैंने दूर दूर ग्लू वॉल लगा ली, ज़्यादा दूर लगाना है, ठीक है, पास में नहीं। एंड भाई मैं बतरा ही रहा था तभी मैं मर भी गया, ठीक है। तो अभी मेरे दोनों मिशन कंप्लीट हो चुके हैं, अब यहां से अपन सीधा करते हैं बैक, यानी कि लॉबी में चलते हैं और यहां पर देखते हैं ना। तो गाइस यार अपना समन एयर ड्रॉप वाला मिशन भी कंप्लीट हो चुका है, एंड इसी के साथ साथ जो ओरियन से अपन ने दो बंदे मारे थे ना, तो गाइस और सक्सेसफुली वो भी मिशन कंप्लीट हो गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और भाई यार अभी जो मिशंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मिशन बहुत सारे बंदों का कंप्लीट नहीं हो रहा है, एंड अगर आपका भी कंप्लीट नहीं हो रहा है ना तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और ये है हमारा स्काइलर वाला मिशन, भाई स्काइलर को लेकर 6 ग्लू वॉल्स फोड़ना है 3 सेकंड के अंदर। और भाई मैंने ये मिशन कंप्लीट भी किया है। अब आप देखो कि यहाँ पर सबसे पहले नंबर तो मैं आ गया VR क्लासिक में, एंड गाइस यहाँ पर मेरे साथ एक पंगा हुआ भाई, मैं घूमता रहा बट मेरी 5 ग्लू वॉल से 6 ग्लू वॉल हो ही नहीं रही थी। फिर मेरे को समझ आया कि भाई घूमने से कुछ नहीं होगा, बंदे ढूंढना पड़ेंगे, अपन गिल करेंगे ना तो अपने को भाई ग्लू वॉल मिलेगी। सही पकड़े हैं। हाँ यार मेरे में दिमाग तो है यार, मेरी तारीफ मतलब खुद की तारीफ खुद करो कितना अच्छा लगता है, तो भाई मैं खुद की तारीफ खुद कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देखो, मेरे को यहाँ पर तो बंदे मिले नहीं बट यहाँ से आगे गया ना, तो फाइनली गाइस यार कुछ बंदे दिखे, एंड यहाँ पर मैंने भाई एक बंदे को मारा, एंड 3-3 बंदे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बंदे को मारा, दूसरे को मारा, तीसरे को मारा, एंड यहाँ पर फिर भी मेरी 5 थी, पर भाई 6 ग्लू वॉल हुई ना, तो मैंने सोचा चलो यार अभी अपन एक बंदे को और मारते हैं एंड ग्लू वॉल लगा लेते हैं। पर यहाँ पर एक और बंदा दिख गया, और फिर भाई मैंने ग्लू लगा के मारा, एक और बंदा दिखा, अब इसको भी मार दिया। अब मेरे को यहाँ पर भाई एक और बंदा दिखा, मतलब बंदे आए तो इतने आए, एंड मैंने यहाँ पर फिर भाई 3 ग्लू मारी, एंड स्काइलर मारा, फिर से भाई जितनी ग्लू थी सारी लगा दी, ठीक है। तो अभी आपने देख पाया कि यहाँ पर मैंने 6 ग्लू वॉल यूज कर लिए, बट मेरे को लगा कि भाई ऐसे कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो भाई मैं आगे गया एंड लूट की, मेरे को 8 ग्लू वॉल मिल गई, आप देख पा रहे होगे 8 ग्लू वॉल है। और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त से जो बोल रहे थे स्काइलर वाला मिशन कंप्लीट नहीं हो रहा, तो मैं मिस्टेक नहीं करना चाहता था, 3 ग्लू लगाई, उसके बाद भाई मैंने 8 की 8 लगा दी, मतलब जितनी बच रही थी उतनी लगा दी, एंड सारी फूट गई। तो अभी तो भाई मैंने ढेर सारी ग्लू वॉल लगा दी है, बट नीचे गया ना मेरे को फिर से 8 ग्लू वॉल मिल गई, एंड 8 ग्लू वॉल मिली है तो चलो यार इनको भी लगा देते हैं। एंड यहाँ पर लगाया, डैमेज दिया, फिर लगाया, फिर डैमेज दिया, फिर लगाया, फिर डैमेज दिया, और स्काइलर मार के फिर भाई मैंने 5 ग्लू वॉल बची थी वो सारी की सारी लगा दी। यानी कि यहाँ पर मैं अलग अलग ट्रिक कर रहा हूँ, क्या पता भाई कौन सी ट्रिक से कंप्लीट हो। तो मैं तो आपको एक ही बात बोलूंगा कि यार आप VR क्लासिक खेलोगे ना तो आपको ढेर सारे वॉट बंदे मिलेंगे, ग्लू वॉल मिलेगी, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होगे मेरे को ढेर सारी ग्लू वॉल मिल रही है। तो मैंने 3 ग्लू वॉल लगाई, स्काइलर मार दिया, 5 ग्लू वॉल बची थी वो सारी की सारी लगा दी, तो भाई यहाँ पर मतलब एक बचा ली, ठीक है, मतलब कंजूसी कर गया भाई, पर ठीक है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि भाई मैं फिर से आगे गया, फिर से 6 ग्लू वॉल मिल गई, तो मैंने अब इस बार थोड़ी अलग अलग लगाई, एंड स्काइलर मारा और फिर भाई पूरी 3 ग्लू वॉल और लगा दी। अब भाई मैंने सारे मैप में जब जब ग्लू वॉल मिली ना, मैं लगाता गया, फोड़ता गया, लगाता गया। अब मैं मेहनत सच बोलूँ ना तो बहुत ज़्यादा कर चुका था, मेरे को उम्मीद थी कि भाई मेरा मिशन कंप्लीट हो, अगर मिशन कंप्लीट नहीं होगा ना तो फिर भाई दिमाग का दही हो जाएगा। बात तो सही, पर गाइस यार जैसे ही मैंने यहाँ से बैग गया ना भूया करके, तो गाइस यार मैंने देखा कि मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले नंबर तो एयर ड्रॉप देखने के लिए मिला, इसके बाद नीचे देखो कि भाई अपना ये भाई मिशन कंप्लीट हो गया स्काइलर वाला। और आप यहाँ पर अचीवमेंट्स वाले सेक्शन में भी देख पा रहे होगे कि भाई 3 सेकंड के अंदर 6 ग्लू वॉल्स अपन ने फोड़ दिए, मिशन कंप्लीट हो गया है। और इसी के साथ साथ यहीं पर अगला मिशन आ जाता है हमारा वुकोंग वाला, यानी कि भाई यहाँ पर 10
सेकंड के अंदर अंदर अपने को 3 बार वुकोंग बनना है। तो भाई ये बिल्कुल सिंपल मिशन है, एक बंदे को मारा वुकोंग बन गया एंड दूसरे बंदे को मारा वुकोंग बन गया एंड यहाँ पर तीसरे बंदे को मारा एंड वुकोंग बन गया। ठीक है, तो ये मैंने 10 सेकंड के अंदर अंदर कर लिया एंड फाइनली मेरा मिशन कम्प्लीट हो चुका है। और यहीं पर एक और बंदा छिपा हुआ था तो भाई इसको भी मार दिया। और आप यहाँ पर स्टार्टिंग में ही वुकोंग बन के बंदे को मार सकते हो। अब भाई आप यहाँ अगर 2 किल भी करते हो ना बैक टू बैक तो भी आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि भाई वुकोंग बन जाओ। अब भाई आप यहाँ पर देखो वुकोंग बना, बंदे को मार दिया एंड फिर से वुकोंग बन गया, 2 बार तो हो ही गया एंड तीसरा बंदा मार देता हूँ ना तो भाई आप यहाँ पर देखो ऊपर एक बंदा था एंड इसको भी मारा। ठीक है, तो भाई फिर से कंप्लीट हो गया यार 10 सेकंड के अंदर 3 बार फिर से मैं वुकोंग बन गया। तो भाई वुकोंग वाला बिल्कुल ईजी मिशन है। ठीक है, और मैं ये क्लासिक क्लैश स्क्वाड खेल रहा हूँ जिसमें भाई बंदे ज़्यादा हार्ड आते नहीं है, मिशन भी कंप्लीट हो जाते हैं। और अभी मैं आपको बता भी देता हूँ कि भाई मिशन अपना आ चुका है। वही भाई गेम से बैक करेंगे तो अपने को लॉबी में मिशन देखने के लिए मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ यार आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब भाई वीडियो पसंद आई है तो इसी बात पर एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर आपको कोई न्यू मिशन मिला है ना तो कमेंट कर देना। बट यहाँ पर मिशन कंप्लीट नहीं हुआ क्या भाई? अरे हो गया, ये देखो भाई मिशन कंप्लीट हो गया। अभी मैंने आपको ये जितने भी मिशन बताए हैं ना ये आप कंप्लीट कर लो। और अगर आपको कोई न्यू हेड एनी मिशन मिला है ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भाई, वो अगले बंदों को बता सकें अपन। तो उम्मीद करता हूँ यार आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और भाई नेक्स्ट वीडियो भी मैं लाने वाला हूँ जहाँ पर मैं आपको कुछ और भी हेड एनी मिशन बताऊँगा, कंप्लीट करके बताऊँगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय।